Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you an important topic, that is factors influencing transfer of learning. यानी वो कौन से कारक हैं जो अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं. ओके, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके सिलेबस में है और पूछा जाता है, उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं. तो शुरू करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे पहले भी बात कर चुके हैं और थेरीज हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की आपसे पहले ही. कौन कौन सी थेरीज हैं इसकी? मेन थेरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थेरी ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, थेरी ऑफ आइडियल्स एंड थेरी ऑफ ट्रांसपोजिशन. ये चार मुख्य सिद्धांत हैं जो अधिगम के स्थानांतरण को जिनकी थेरीज बताती हैं कैसे होता है. तो है क्या अधिगम का स्थानांतरण? जैसा नाम ही समझ में आ रहा है कि अधिगम स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक 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 पोर्शन, एक एक ज्ञान के एक यू कैन से प्रदर्शन से दूसरी जगह. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए लर्नर टू अप्लाई द बिहेवियर नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड इन वन लर्निंग सिचुएशन टू अनदर. स्थिति, सिचुएशन कहने जा रही थी, परिस्थिति कहना चाह रही थी कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में. तो लर्नर की योग्यता यानी अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी की ये वो योग्यता है जिससे कि वो अनुप्रयोग कर सके. क्या अनुप्रयोग कर सके? अपना व्यवहार, अपना ज्ञान और अपने कौशल एक लर्निंग सिचुएशन जो उसने सीखा है उसको दूसरे में अगर वो अप्लाई कर पाता है तो यही योग्यता ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है. इट मेक्स अ जॉब ईजियर एंड फास्टर फॉर अ लर्नर बिकॉज दे कैन अप्लाई व्हाट दे ऑलरेडी नो. ये अधिगमकर्ता के जॉब को आसान और तेज बना देता है. जॉब उसका क्या है? यही कि वो अच्छा लिखे, अच्छा पढ़े और जो पढ़े वो रिटेन रहे. क्यों? क्योंकि वो जो एक बार पढ़ता है, जानता है, उसको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है. ए कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफर अस्यूम्स दैट ट्रांसफर इज फैसिलिटेटिव एंड व्हाट इज लर्न इन वन सिचुएशन इज सफिशिएंटली एब्स्ट्रैक्ट एंड डीकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड टू अप्लाई टू अदर सिचुएशंस. देखिए, इसकी दो मत हैं. एक मत मनोवैज्ञानिकों का ये मानता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब बढ़िया होती है जब हम जो चीज सीखते हैं वो एक सिचुएशन में, मतलब वो कंटेक्स्ट फ्री हो, क्योंकि हम दूसरे कंटेक्स्ट में सिर्फ उसको जोड़ने में दिक्कत नहीं होती, जो फ्री है किसी भी कंटेक्स्ट में सेट हो सकता है. लेकिन दूसरा मत ये कहता है कि लर्निंग जो है वो कंटेक्चुअल है क्योंकि ये सोशल प्रोसेस है, सोशल एक्टिविटी है, इसलिए अगर कंटेक्चुअल है तो अच्छा है. तो हम इससे विवाद में नहीं पड़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि दोनों मत हैं मनोवैज्ञानिकों के. तो ये यही कह रहे हैं कि अगर डीकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है एक स्थिति में सीखना, तो वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को. The basis for this assumption is that knowledge is separable from the context in which it is developed. ये इस मान्यता पर आधारित है कि ज्ञान जो है वो separate किया जा सकता है अपने संदर्भ से, अपनी विशिष्टता से जिसमें वो develop किया गया है, rather than a function of activity, social interactions, culture and history. दूसरा मत यही बात करता है कि एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और हिस्ट्री चूंकि ज्ञान को प्रभावित करते हैं इसलिए कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और कंटेक्स्ट फैसिलिटेट करता है. लेव एंड मेनगर्ग ने कहा कि लर्निंग इज सिचुएटेड, इट अकर्स इन ए कंटेक्स्ट एंड कल्चर. है ना, ये यही कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो अधिगम जो है वो चूंकि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, कल्चर स्पेसिफिक है, तो इसलिए हम मतलब एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने को ज्यादा फैसिलिटेट कर सकता है जब कंटेक्स्ट सेम हो. बट कंटेक्स्ट डिपेंडेंस कैन बी ए प्रॉब्लम फॉर ट्रांसफर. फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, मतलब भाई जो कंटेक्स्ट से सेपरेट मानते हैं नॉलेज को, वो कहते हैं कि कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंस अच्छी बात तो है लेकिन ये ट्रांसफर के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि ट्रांसफर का क्या मतलब है? हैज टू अकर व्हेन द ओरिजिनल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इज नॉट रीइंस्टेटेड व्हेन वन इज नो लॉन्गर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको जो कंटेक्स्ट मिला है वो तो बाहर नहीं, स्कूल से बाहर आप जैसे ही निकलेंगे तो कंटेक्स्ट बदल जाएगा आपका. तो अगर कंटेक्स्ट बेस्ड होगी लर्निंग तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में दिक्कत होगी क्योंकि बार बार कंटेक्स्ट बदल रहा है. ठीक है ना, तो ये है. हम अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर. देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ये तो हैं, इसके अलावा हम आपको पता होगा कोई भी किताब आप उठाएंगे तो आपको तीन तरीके का ट्रांसफर मिलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर. वो पॉजिटिव ट्रांसफर को कहते हैं कि एक सिचुएशन में सीखा अगर दूसरे सिचुएशन में सीखने को हेल्प करता है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है. जैसे आपका मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला है उसको आप फिजिक्स में अप्लाई हो गया तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर है क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं. या जब हम जोड़ना सीख लेते हैं तो गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि गुणा करने में जोड़ने की जरूरत पड़ती है, हमने अप्लाई कर लिया वो वाला, है ना. और नेगेटिव ट्रांसफर क्या है? जब एक सिचुएशन में सीखना दूसरे सिचुएशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब दिक्कत क्रिएट करता है. और जीरो ट्रांसफर क्या है? कि एक स्थान पे सीखना दूसरे स्थान में सीखने पे कोई भी उसमें कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है. जैसे नेगेटिव ट्रांसफर का एग्जांपल कि मान लीजिए हमने कोई लैंग्वेज सीखी, उसमें हमको ग्रामर के कुछ रूल बताया गया कि ऐसे होता है, इसमें ऐसी फॉर्म लगती है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन हमने दूसरी लैंग्वेज सीखी तो उसमें बिल्कुल ऑपोजिट या बहुत कंट्रास्टिंग उसमें ग्रामर, ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. तो चूंकि पहले हम वो सीख चुके हैं दूसरी लैंग्वेज तो वो हमको हैम्पर कर रही है, हिंडर कर रही है सीखने में, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो गया. और जीरो ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन है,
वो अपनी बैटिंग स्किल सुधार रहा है, सुधारना चाहता है, तो उसकी उससे बॉलिंग स्किल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो ट्रांसफर। कोई ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बढ़िया बैट्समैन है तो बहुत बढ़िया बॉलर भी हैं, या आपकी बैटिंग सुधर रही है तो आपकी बॉलिंग भी सुधर रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो इसके अलावा भी ट्रांसफर के तरीके इन्होंने कहा है कि ये भी हो सकते हैं तरीके ट्रांसफर के, कि प्रीवियस नॉलेज अप्लाई टू लर्निंग, हमने जो पहले ज्ञान हासिल किया है वो हमारी लर्निंग पे अप्लाई हो जाए, या ओल्ड लर्निंग अप्लाई टू न्यू, या पुराना सीखना नए सीखने में अप्लाई हो सके, या लर्निंग अप्लाई टू रियल लाइफ टास्क, या जो आपने सीखा है वो आपके वास्तविक जीवन के किसी टास्क में अप्लाई हो सके। तो ये तीन तरीके भी हो सकते हैं ट्रांसफर के। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रभावित करते हैं। देखिए जब सवाल पूछते हैं लॉन्ग तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब फ्यू थ्योरीज अबाउट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या कोई पर्टिकुलर पूछ लेंगे, एंड डिस्कस व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी कंसेप्ट तैयार करते समय हम उसकी थ्योरी पढ़कर निकल जाते हैं, तो थ्योरी आप लिख लेंगे पर कारक नहीं लिख पाएंगे तो सवाल आधा रह जाएगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के फैक्टर्स हैं, मतलब हम कैसे पढ़ाएं अनुदेशन के लिए, क्या नमूना बनाएं विद्यार्थियों के लिए अपने, वो हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे क्वालिटी ऑफ द टीचिंग, आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे को अच्छे से रिटेन होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो ऑब्वियसली वो उसको अप्लाई कर सकेगा दूसरी सिचुएशन में। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पहले ही तय हो जाए कि आप क्या चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने से पढ़ने से क्या सीख जाएगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक, आपने पढ़ाया और आपने उस पर कोई प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कराया, कोई फीडबैक उनको नहीं दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसकी ट्रांसफर की चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब क्या है कि हमें उनको प्रैक्टिस कराती रहनी चाहिए। फिर रिपीटेशन ऑफ की आइडियाज, ये भी वही बात कह रहा है। रेलेवेंस ऑफ कंटेंट टॉट टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, देखिए चूंकि हमने जो सीखा है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में वो हमको रियल लाइफ में ही अप्लाई करना है जनरली, तो हमें ऐसा कंटेंट पढ़ाना चाहिए जो विद्यार्थी की रियल लाइफ की प्रॉब्लम से जिसमें सार्थकता उसको साबित हो, समझ में आए, तो वो बेहतर सीखेगा और उसका ट्रांसफर भी कर सकेगा। फिर फॉलोअप प्रोग्राम, यानी कि आपने जो पढ़ाया उसका फॉलोअप भी लीजिए, विद्यार्थी ने कितना समझा। क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और गलत तरीके का कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, इस तरीके का वातावरण अगर क्लासरूम में है तो बेहतर सीखेगा विद्यार्थी। तो ये तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के फैक्टर्स हो गए। फिर लर्नर के कुछ खुद के भी फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करेंगे, जो कि तय करेंगे कि वो कैसा सीखेगा, और जो सीखेगा उसको अनुप्रयोग उसका कर सकेगा कि नहीं। तो सेल्फ एफिशिएंसी सबसे जरूरी, कि हम लर्नर आपका कैसे समझता है कि वो कितना सेल्फ एफिशिएंट है। अगर हमने लर्नर में ये भाव, और फिर हम सेल्फ एफिकेसी भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बंदूरा का कंसेप्ट, तो सेल्फ एफिशिएंट अगर हम मानते हैं अपने आप को तो हम बेहतर सीखते हैं और बेहतर अनुप्रयोग करते हैं। तो ये विद्यार्थी में हमको डेवलप कराना है एज अ टीचर। फिर हमको उसको मोटिवेट रखना है, उसके पर्सनैलिटी डायमेंशंस भी हैं जो ये प्रभावित करते हैं उसकी लर्निंग को, जैसे कंसेंटियसनेस, गोल ओरिएंटेशन, बच्चा एकदम गोल के लिए ओरिएंटेड है तो वो अच्छा सीखेगा ही सीखेगा। फिर उसके बाद उसकी एबिलिटी, यानी कि उसकी योग्यता क्या है, उसका प्रायर नॉलेज या पूर्व ज्ञान क्या है, उसके कौशल का लेवल क्या है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, ये सारे फैक्टर्स लर्निंग एंड इवेंचुअली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फिर कुछ बैरियर्स भी हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को रोकते हैं, तो एज अ टीचर हमें क्या करना है, इन बैरियर्स को हटाने का काम करना है। जैसे इनसफिशियंट या इनएफिशियंट सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, विद्यार्थी को उसके शिक्षक से कोई सहायता नहीं मिल रही है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, जैसे अभी कोविड के बाद सेशन रेगुलराइज करने के बहुत जल्दी जल्दी सेमेस्टर आ रहे थे, बस जल्दी से उनका एग्जाम हो रहा था, फिर सेमेस्टर का शुरू हो जा रहा था, फिर उसका एग्जाम हो जा रहा था, इतने कम समय में हम कैसे अपने विद्यार्थी से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो गहराई से इन डेप्थ कंसेप्ट को समझ के उसका अनुप्रयोग कर सकेगा, नहीं, मुश्किल है, संभव नहीं। तो समय की अगर बाध्यता है, कमी है, लिमिटेड एनर्जी एंड मेंटल कैपेसिटी, विद्यार्थी की मेंटल कैपेसिटी ही कम है तो वो नहीं सीख सकता, एंड लैक ऑफ रीइन्फोर्समेंट, अगर आपके वातावरण आपकी कक्षा में रीइन्फोर्समेंट का, पुनर्बलन का इस तरीके का कोई वातावरण नहीं है, कोई इस तरीके के एग्जाम्पल नहीं है, आप उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट नहीं देते हैं तो बच्चा नहीं सीखेगा, ये मुश्किल है, ये उसके लिए उतना आसान नहीं है कि वो सीखे और फिर सीखे हुए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सके। तो एज अ टीचर हमको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फैक्टर्स बढ़िया रखने हैं, जो लर्नर फैक्टर्स हैं उनको इनकलकेट करने का प्रयास करना है, और जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने का प्रयास करना है। अगर हम इतना करने में सफल हो गए तो निश्चित हम जो पढ़ाएंगे वो विद्यार्थी सीखेगा ही नहीं, अभी तो उसको बाहर दूसरी परिस्थिति में, बाहर की दुनिया में, रियल लाइफ में अनुप्रयोग भी कर सकेगा। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था, बट स्टिल अगर हम उससे पढ़ते नहीं हैं, हमारे दिमाग में उसका खाका नहीं होता है, तो एग्जामिनेशन में हमको समझ भी नहीं आता है कि क्या लिखना है। तो फॉर दैट पर्पज दिस वीडियो इज अ sufficient material for you. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.